अमाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन सामिन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पारा खुसूसी प्रोग्राम में जीएस सिंध महाज कंबर पारा जदीद कौम परस्ती बानी साईं जीएम सेठ जी जन्म वाली शानदार तकरीब अब्दुल खालिक जुणे जी सदारत में थी गुजरी। उन मौके ते कामरेड हाशिम खोसो डॉक्टर सलमा जुणे जो इमदाद सिंधी नजम अब्बासी जमाल मुगेरी सायल मसीह अमानुल्लाह चांडियो अली अमन हकड़ो नूर सोलंगी इशफाक चांडियो आगा कमर साईं जीएम सेठ के भेटा पेश कई। सामिन इन प्रोग्राम की समूरी कार्रवाई अवां जी समातन में पेश कर रहा हूं। मरकजी राबता सेक्रेटरी नूर सोलंगी साहब ए सिंध औरत तारीख की कन्वेनर मोहतरम सलमा जुड़े जो साहिबा सामो वेठल मुझो भाईर भेनरो अदबी समाजी सियासी कारकुनो और तवा के जीएस महाज जिला कंबर सदातकोट तरफा इन सिंध ए सैयद के सद में शरीक थण से भलीका चवा तो। दोस्तों जीएस महाज पांजी रिवायत मुताबिक 118 जन्म दिन अज मल्हाए रही है ए यो जीएम सैयद की रिवायत मुताबिक भी है छो तो साईं जीएम सैयद चवंदो हुयो तो जेको अरसो आऊं माउ के पेट में गुजारियो वो भी मुझी जिंदगी की जिदोजहद जो साल है उन रिवायत के कायम रखंदे असा ही प्रोग्राम किया तवा दोस्त आया हो तवाज नकाद नजरू असाजे लाय कारायती होंदियों का भी राय इस्लाह तनकीद असाजी अखियन से होंगी ए जीएस महाज हमेशा मुदलल अंदाज में सियासत किरदार के बुनियाद से कई आ सो वरी भी अव भावर भेनर जहा लख थोड़ा वही मेहरबानी इो जीएस महाज जो जिले जो सदर मोहतरम नजम खासकली जै आजाण पेश हाँ गुजारिश कदस कंबर के पोरियत अगवाण मोहतरम जमाल मुगेरी के तो स्टेज से अचन ए पिंडाल के खिताब कर मोहतरम जमाल मुगेरी साईं जीएम सेठ के फिक्री रब मञणो पवंदो जदोजहद असांजी अधूरी हूंदी जैमें साईं जीएम सेठ जो फिक्र शामिल न हों जोरियत की गाल कबी तो सिंध से वापस आ जदोजहद में सिंधी पोरियत जो किरदार न हों तो पोरियत जदोजहद भी कें मकसद मंजिल ती न पची सकनी टाइम न वस मुझा मोहतरम सीनियर दोस्त अकापुर डा स्टेज से वेठाई गाल स्टेज के तरफा पांजे कौमी फर्ज समझी पोलत नाते से सिंध की कौमी जदोजहद में जैसे तमाम शामिल आजादी सिंध की कौमी तहरीक वह जैसी तीन ताकतवर नींदी इतों के मजलूम मानून के इतों के मजलूम कौम के इतों के आर्य जो पोत उन जदोजहद में जैसे हिस्सो न हों तो असाजी जदोजहद सिंध की कौमी तहरीक की जगह जदोजहद होंगी वह अणपूरी थी इन फिक्र हिसाब से क्लियर कह
इन स्टेज सा इन स्टेज सा क्लियर कदो रहा जेकने जेकने वो कंप्रेस जेकने वो छछत ना है मां जमा तो वो कंप्रेस ही ना है जेकने जेकने वो छछत सिद्ध जी गाल जो मनफी तो थे ऐ वो चामिन तो थे तो वो छछत ना है इन है आओ क्लियर तो जा तस्ता असा गदजी इन कोमी तारीख जो साथ लियो त सिंध जी आजादी उए उए जोधा बनदा जे के इन स्टेज इन समाज का मुतासिर हुंदा मजलूम हुंदा उए कोमी जदोजहद में ता सा शामिल रहंदा जे कने असी कोमी जदोजहद में इन्हें चैन के सामो रखी इन्हें चैन के सामो रखी अगे हलाइंदा से त असाजी जदोजहद वह सगारी रहंदी ए भरपूर जगह मंजिल तरफ रवा दवा थींदी त इन लाइ जरूरी आहे त असी हितों जे खिते जे माण्हुनि जे हितों जे मज़लूम तबके जी उन मफाद जो तहफ़ुज़ न कंदासीं उन्हनि खे पाण सां शामिल न कंदासीं त असांजी जदोजहद उहो पाए तकलीफ़ ताईं नथी पहुची सघे इन लाइ आऊं या एतिरी गुज़ारिश कंदुसि वधीक तव्हां दोस्तनि जो टाइम न वठंदुसि जीअं सिंध जीअं साईं जीअं सेठ इहो कॉमरेड जमाल मुगेरी जंहिं पंहिंजे जज़्बातनि जो इज़हार कयो हाणे आऊं गुज़ारिश कंदुसि मोहतरम अमान लाइ चांडियो खे जेके सोशल वर्कर आहिनि कंबर में उन्हनि खे आऊं गुज़ारिश कंदुसि त हू स्टेज ते अचनि ऐं पिंडाल खे ख़िताब कनि साईं अमान लाइ चांडियो सिंधी भाइरो जीअं सिंध जीअं लतीफ़ जीअं आलमेर साईं बंदर जा भई त सुखा मसमो कपर थुप न करे जीअं वाटीअ मजमही एॾो सूर सही निंड न कजे लाखो साईं जीअं सेठ जे सालगिरह जे लाइ मुंहिंजे अदला खे घुरायो वियो आहे जगूं लॻल थियूं दिलि मुतमा दिखाए त मां मुफ़क़िर आज़म जीअं लतीफ़ दुनिया जो बैन अक़वामी शाइर आहे तीअं साईं जीएम साहिब मज़लूम क़ौमुनि जो रहबर आहे उन ते ॻाल्हाइण जे लाइ वॾनि मुफ़क़िरनि वॾनि दानिशवरनि वॾनि अदीबनि खे स्टेजनि ते अचणु घुरिजे हां त तो अदना आहियां मां जीएम साहिब ते छा ॻाल्हायां जीएम साहिब समूरो सच जीएम साहिब उहा अणखुट जिदोजहद जंहिं कॾहिं बि हार न मञी ऐं उन पंहिंजे मज़लूम क़ौम ऐं दुनिया जे मज़लूम क़ौमनि जे लाइ जेका जाखोर कई वॾे घराणे जो पीउ घराणे जो पर उन माण्हू पंहिंजे उन आसाइशुनि खे पंहिंजे उन्हनि फरातुनि खे ठुकराए जेल अज़ियतूं अकूबतूं ऐं दोस्तनि जूं नाराज़गियूं पंहिंजे फैमिलीज़ जूं नाराज़गियूं सभु कुझु सही करे पंहिंजे सिर मथां जेके हुन अज़ियतूं सठियूं आउं त चवां थो असां छा असांजा नसुल दर नसुल जेकॾहिं सूलियुनि ते टंगिया वञनि पोइ बि साईं जीएम साहिब जे हिकिड़े घर में नज़रबंदीअ वारे ॾींहं जे बराबरि बि कोन आहे छो त जीएम साहिब उहो फिकर ॾिनो उहो नज़रियो ॾिनो जंहिं नज़रिए जे लाइ इंसानियत पंहिंजे हिसाब सां आज़ाद ख़ुदमुख़्तियार पंहिंजे वसीलनि ते पंहिंजी ॿोलीअ ते पंहिंजी सकाफ़त ते दस्तरस रखी सघे जीएम साहिब उहा शख़्सियत हो जंहिं न रुॻो सिंधी क़ौम जे लाइ पर मज़लूम क़ौमुनि जे लाइ सभु कुझु कयो ऐं हुन चयो त जेके बि मज़लूम क़ौमूं आहियो उहे तव्हां उथी खड़ो थियो छो त जीएम साहिब चयो त हिते जो पोरियत हितां जो मज़दूर हितां जो वकील हितां जो अदीब हिन जो हितां जो शाइर ऐं हितां जो हारी जितां जो बि हुजे उहो जेको मज़लूम आहे उहो ई हिलाली आहे ऐं जेके हुन ते ज़ुल्म कनि था उहे सभु हरामी आहिनि ऐं सिंध ते अॼु बि हरामियुनि जी धारियुनि जी ऐं लुटेरनि जी यलकार आहे जंहिंजे करे असांजा बेदोही माण्हू खंभिया ऐं खयां वञनि था ऐं अकूबतनि में रखिया वञनि था जॾहिं पाकिस्तान जो आहिनि
पाकिस्तान जो है यो बुधाई को तो यो चाहे को तो अकवा मुतहदा जो है यो न तो चले तो तवा के मानो के चार पार हिप से जा है हद से भेजा में रखे सको था पर उन मान के बिगे कहे पार के बिगे कहे चार शिप के उन के को पता में सब पुत्र में रखे तो वाले शागिर्द बनते वासले का है असा जो यूनिवर्सिटी में आर्मी आई रेंजर्स बैठी आए असा के पढ़ण को तो नोले आए जीएम सैद अज तो केतरा साल अग में या गाल कई जेका पैगंबर कह सके तो जेके इलाही आवाज जे जरिए बुधायो वने ते ही थण वालो थई ते ही थण वालो थई जीएम सैद अज तो जनी असि तिथिल होया सी मुछन जी सावल होती आ जने नंडड़ो मानो होतवा उन टाइम में भी जीएम सैद या गाल कई तो ता की गोली ते तो धारो लगे ता की धरती विलार जे पई तवाजी सकाफत मिला जे पई तवाजे वसीलन ते धारा कब्जो धाकन तजे करे सिंधियो उठो सुजाग थियो पज हक लाए संदरा बधो ए जिदोजहद कयो न त तहा जे धरती न रहंदी ता जे कौम न रहंदी तवाजी बोली न रहंदी तवाजा वसीला न रहंदा ए अजू हा तलवार अस जे विच ते जे पातिया जे लटकल हुई तजे करे मां जेम से जे इंसान के इन स्टेज ता तवा सबनी के यो पैगाम दी दिस त जेको जिथे हो जे जड़े भी नजरे से हो जे पर सिंध सिंधी मान ला जाकोड़ करे सुजाग थो छो तई वक्त वो तो असा इंदड़ नसल तमाम अजाबन में होगा असि कदें भी दुनिया में सुनाता मनी जी असि सुनाता था वो तो असा सिंधी आयो तो जो सके तेजे औलाद के पे नसल के यो पैगाम दियो कहीं नजरे से जीएम सैद के सिंध की आजादी के नजरे से सलाम की वनो अंथक जिदोजहद कर जी सिंध जी लतीफ जी आलम इंसान असान जे इन प्रोग्राम में सिंधी अदबी संगत बिन शाखुन जा सेक्रेटरी भी आइन तो उन्हन जे करे इन पिंडाल में शेरो शायरी जो हुजण भी जरूरी आ हाने आऊं गुजारिश कंदस ये शेरो शायरी पढ़ण जे लाए सिंधी अदबी संगत शाख कंबर जे सेक्रेटरी अली अनवर हकड़ो के तो हु स्टेज ते अचन ए असा के शेर बुधाए अनवर हकड़ो असान जे पिंडाल में अवामी वर्कर्स पार्टी जा दोस्त आया असी उनन के बड़ी कार चाहूं था नारे सेन नारे सेन नारे सेन छजन आए छाने कह अनासी विसरे है फतनी थे होए वतन के निसारी मां कुछ सूरत खड़ी आया सिंधु जहाँ जैसे पहले शायरी के जरिए पेश करा तो थो जुल्म हले कहो जुल्मात वधी भैया इन देश के मानुन जी फिकरात वधी भैया भाई थो जुल्म हले कहो जुल्मात वधी भैया इन देश के मानुन जी फिकरात वधी भैया मेहमान थो मालिक जो भला किया मालिक बणजे मेहमान थो मालिक जो भला किया मालिक बणजे मेहमान जी एजी छो औकात वधी भैया इन देश के मानुन जी फिकरात वधी भैया कई फेर जो कल इतरे आ सिंधी भाग उठो कई फेर जो कल इतरे आथिंदी भाग उठो उन फेर के अकड़न मां बरसात वधी भैया इन देश के मानन जी विकरात वधी भैया मां की सबर करया तो मुजो हां डरे मां की सबर करया तो मुजो हां डरे इत जुल्म सितम वारी हालात वधी भैया इन देश के मानुन जी विकरात वधी भैया था जो छै जज्बा उथन जज्बन के किया रोकया था जो छै जज्बा उथन जज्बन के किया रोकया इन अनवर अंतर जी जज्बात वधी भैया इन देश के मानुन जी विकरात वधी भैया तो जुल्म हले केडो जुल्मात वधी भैया इन देश के मानुन जी विकरात वधी भैया
इन देश के मानन जी फिकरात वधी वई आ। ही जरूरी नाहे त हर हर जिलजिलो पैदा कजे, ही जरूरी नाहे त हर हर जिलजिलो पैदा कजे कौम में, लेकिन मुसलसल वलवलो पैदा कजे। मुश्किलातूं ईंदियूं रहंदियूं पर बुध मुश्किल कुशा, मुश्किलातूं ईंदियूं रहियूं पर बुध मुश्किल कुशा। हर कदम ते होश सां गद हौसलो पैदा कजे। हाणे आउं गुज़ारिश कंदुसि जीएसएन महाज जे मर्कज़ी राबता सेक्रेटरी मोहतरम नूर सोलंकी खे त हू स्टेज ते अचनि ऐं तव्हांखे ख़िताब ढाई से अचनि ऐं ख़िताब कनि। नूर सोलंकी। सजण ऐं साणी, सजण ऐं साणी ते नासी विसरे हेफ तॾहिं होए वतन जो निसारी होए। अॼु असां साईं जीएम सेठ जो 108 जनम ॾींहुं मल्हाए रहिया आहियूं। उन लाइ जीएसएन महाज जे दोस्तनि पारां जेको ई प्रोग्राम कयो आहे तमामु ज़बरदस्त आहे, जंहिंमें असां साईं जीएम सेठ जी ज़िंदगी ते, उनजी सियासी जिदोजहद ऐं किरदार ते जेको आहे रोशनी विझंदासीं। ऐं असांजा हिते प्रोग्राम जे अंदरि सीनियर दोस्त मर्कज़ी अॻवान जेका आहिनि, जेके हुन ते साईं जीएम सेठ जी ज़िंदगीअ जे मुख़्तलिफ़ पासनि ते वधीक जेको आहे रोशनी वठी, मां वधीक टाइम नथो वठां। ऐं असां अॼोके ॾींहं ते हिन साईं जी सालगिरह जे निस्बत सां ऐं सॼी आलम इंसानियत ऐं सिंधी माण्हुनि खे ख़ासि तौर ते जेको आहे मुबारकबाद थो ॾियां त साईं जेम सर जो जेको अॼोको ॾींहुं आहे असां हुनखे अॼु भेटा कयूं था पेश। हुनजे लाइ तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी, जेके मुख़्तलिफ़ हंधनि खां आया आहिनि, तव्हां सभिनी जी महिरबानी। हाणे आउं गुज़ारिश कंदुसि इसरार चांडे खे त हू अचनि ऐं तरनम सां शेर पढ़नि। इसरार चांडियो। थी सॾे असांखे सिंध माओरिया, भर झलो थी भजंदो आओ भाओरिया। थी सॾे असांखे सिंध माओरिया, भर झलो थी भजंदो आओ भाओरिया। लाल चूंड रत जा रंग था मटिया वञन, दंग था खसिया वञन, नंग था लुटिया वञन। लाल चूंड रत जा रंग था मटिया वञन, दंग था खसिया वञन, नंग था लुटिया वञन। दंग था खसिया वञन, नंग था लुटिया वञन। गेदीअ गदार सां न खाओ रिया, भर जलो थी भजंदो आओ भाओ रिया। कीअं मल्हाई जीव जो झुरल हुजे, कीअं मल्हाई जीव जे झुरल हुजे। कहिड़े कम जी ज़िंदगी कंध जे झुकियल हुजे, कहिड़े कम जी ज़िंदगी कंध जे झुकियल हुजे। दुश्मन करे भर झलो थी भजंदो आओ भाओरिया। तूं खण कुहाड़ी कोमले मां कलम खणा पियो, तूं खण कुहाड़ी कोमले मां कलम खणा पियो। जीए सिंध जीए सिंध नारो अजुहणा पियो। नारे सिंध, नारे सिंध,
इसरार दे सजो घणो घाओ रिया भर झलो थी भजंदो आओ भाओ रिया थी सदे असां के सिंध माओ रिया भर झलो थी भजंदो आओ भाओ रिया वडी मेहरबानी नारे सिंह नारे सिंह तुझो रबर मुझो रबर असांजी मंजिल असांजी मंजिल असांजो रस्तो असांजो रस्तो हके खुदरा दे असांजो रस्तो असांजो रस्तो हियो हियो सरार चांडियो जय तरनम सा असा के हौसला दींदड़ हिमथाइंदड़ पांजी तकलीफ बुझाय हाने आऊं गुजारिश कंदो से सिंध औरत तारीख जी मरकजी कन्वेनर मोहतरमा सलमा झूणे जो के त हु अचे खिताब करे सलमा झूणे जो दोस्तों साथियों भेनरो भाइरो जीएसएन सबने का पहले तो बतावा के साईं जी एन सेठ जे 118 सालगिरह प्रोग्राम में दिसंबर में खे में मल्हाइण ते तावत ते अचण ते मुबारक पाठ ॾियां थी ऐं तव्हां सभिनी खे फलीकार कयां थी ऐं कंबर ज़िले जे दोस्तनि खे बि जस ॾियां थी त हुन अॼु ही मेड़ा को सॾायो आहे ऐं पिटाल सॼायो आहे भेनरो जॾहिं असां जी एन सेठ जो नालो वठंदा आहियूं तव्हां पंहिंजे घरनि में बक्सर ॿुधंदा हूंदव त तव्हांजा घर वारा चवंदा आहिनि त भाइर पुट हुजनि मुड़ुस हुजनि चवंदा आहिनि असां साईं जी सा ते प्रोग्राम ते विया आहियूं हीअं विया आहियूं असां मुज़ाहिरे ते विया आहियूं अक्सर ज़िक्र कंदा हूंदा पर तव्हांखे इहा ख़बर आहे त उहो कनि छा जे लाइ था साईं जी एम सेठ चयो छा जंहिंजे करे तव्हांजा ही जेके ख़बरूं जवान आहिनि उहे दीवाना आहिनि वजह छा आहे यकीननि घणनि भेनरुनि खे ख़बर हूंदी पर जिन खे ख़बर न आहे त उहे बि ख़बर चार रखनि छाकाणि त हू बि सिंधियाणियूं आहिनि हिन देश जूं रहाकूं आहिनि जे हू छोकिरा सिंधी आहिनि त तव्हां बि सिंधियाणियूं आहियो ऐं देश लाइ जे मर्द क़ुर्बानी ॾेई सघे थो त औरत त वधीक क़ुर्बानी ॾेई सघे थी छो जो इहो साइंस बि प्रूफ कयो आहे त औरत में मर्द जी निस्बत वधीक ताक़त आहे छाकाणि त औरत जो जेको दर्जो आहे उहो माउ जो आहे ऐं सिंध वासी जेके आहिनि पंहिंजी धरतीअ खे माउ जो दर्जो ॾींदा आहिनि यानी असांजे देश जी धरती ऐं असांजी औरत में बि मुमासिलत आहे छाकाणि त उहो अॻिते हली माउ थी ठहे इहो मुमासिलत छाजे करे आहे मुमासिलत सां अगरि हुनखे ॾिसूं सोचूं हुन ते त धरती असांखे उपत ॾींदी आहे हुनजे पेट मां बि खज़ाना निकिरनि था जेके असां वसीला सां इस्तेमालु कयूं था ऐं औरत बि जॾहिं माउ बणिजे थी त हू बि औलाद ॼणे थी यानी धरतीअ जे पेट मां बि उपत थिए थी त औरत जे पेट मां बि धरती वसीला थी ॾिए त हुनजो क़ौम हुनजो अवाम जेको आहे उहो हुन मां फ़ाइदो हासिलु करे जॾहिं त औरत जेका आहे उहा क़ौम खे वधाए थी नसलनि खे वधाए थी हाणे जॾहिं उहा नसलनि खे वधाए थी हिन मर्द खे पैदा कंदड़ बि औरत आहे हिनखे तरबियत ॾींदड़ बि औरत आहे त क़ौमी तहरीक में औरत शामिलु छो न हुजे इहो सवाल आहे अमूमन असां वटि नज़रियो छा आहे उहो नज़रियो इहो आहे त क़ौम परस्त मतिलबु त मर्द क़ौम जॾहिं त मां तक़रीबन हर दफ़े इहो ई चवंदी आहियां क़ौम मर्द ऐं औरत मिली करे ठाहींदा आहिनि ऐं साईं जी एन सेठ बि जॾहिं क़ौम जी ॻाल्हि कई आहे त उन ॿिन्ही धुरियुनि जी ॻाल्हि कई आहे ईअं न कई आहे त या सिर्फ़ु हुन मर्द जी ॻाल्हि कई हुजे या औरत जी ॻाल्हि कई हुजे न सिर्फ़ु हुन ॻाल्हि कई आहे पर अमली तौर ते बि
उन्हें साबित किया हुआ था औरत के भी कौमी जदोजहद में शामिल थियण घुर्जे। उनजो सबूत यो है तो 1999 में जो कराची एयरपोर्ट से बिहारियों के खिलाफ मुजाहरो थो तो साईं जीएन सैद उनमें पाजे घर की तमाम औरत के शरीक कराया हो। असं दिसूं तो अस मजहबी इंतहा पसंदी वही वही असि हर भी औरत है वह तहके बुर्कन में पर्दन में नजर इंदी जडें साईं जीएन सैद मजहबी कट्टरपणे खिलाफ़ में सारी उम्र कम कयो उन कोशिशों वरती सैयद बिरादरी में केतरो पर्दो हों अज भी उन खाद में केतरो हों हो तो अंदाजो कर सको अज के हिसाब से साईं जीएन सैद अमली तौर से कोशिशों वरती तो पांजे खानदान में पर्दो खत्म कयो वे पांजे खानदान की औरतों के बाहर कढ़ियाई उनो सबूत यो हो मुजाहरे वो बो सबूत डॉक्टर दुरेश अहवार सैद की तालीम हुई बया भी घड़ा स्टेप्स हुआ जैसे कराची में औरतों के लिए मुख्तलिफ इदारा खोलिया वो भी सबूत आ तो वो औरतों की भलाई चाहे कोई पढ़ियल लिखल माँ एक सुठो नसुल ठाईंदी फर्द के पढ़ा तो समझो तो सॉरी मर्द के पढ़ा तो समझो फर्द के पढ़ा जैसे तो औरत के पढ़ाया था एक न्याणी के पढ़ाया था तो समझो तजे नसुल के पढ़ा सो मां भेनरों के चवस इतने तमाम घट भेनर नजर थी अचन तादाद को उनके प्रोग्राम में शरीक थे घुर्जे एक असद तफरी इंटरटेनमेंट जहाँ घड़ा ही जरिया या नॉलेज हासिल करा इल्म हासिल करा भी घड़ा जरिया अड़न प्रोग्राम में वो शरीक उनके कुछ न कुछ इल्म हासिल ठीक है वो पढ़ियल लिखल जो ना तो उनके पाँच औलाद के पढ़ाने लाइ जोर दियण घुर्जे बो अड़न प्रोग्राम में पा शरीक थी इल्म हासिल जान हासिल इल्म रुगो लिखण पढ़ने जो नालो ना इल्म जान हासिल करने जो नालो भी है तवा के तवा घर वाला ना वी अचन कड़े प्रोग्राम में वो अस हलणो आए भाईरन के भी गुजारिश कस चई हुस कौम जब हिस्सा मर्द औरत बराबर है उन्हें हक बराबर है तो बेली जैसे तेतरा सारा वेठा हो तो एक औरत हर घर में ब टे चार मायू होंद ही होंद घट में घट कंके वी अचवा तो वे अगत वही घड़ी अगत दोस्त के पाँच औलाद के बुधा ना तरबियत दे ना तो अभी गाल बुधी आया हाँ अस चूंता तो इन जो सबब है जो असें जहन में नो अचे तो असी औरत के भी पा सा गड वी हल उन सबब यो है त असर सिंध सूबे में आयो सिंध सूबो जो असो सिंध मुल्क जो एक जरई मुल्क है जिते जरात की गाली उ जागीरदार निज़ाम की भी गाली है जिते जागीरदार निज़ाम की गाली तो उ जागीरदार सोच की भी गाली हाँ जागीरदार सोच सिर्फ यो ना तो कें वे जागीरदार की सोच हुए वह मुझी सोच भी सके थी तेरे वेठल हर एक की सोच भी थी सके थी वह सोच है वह सोच यह है तो मिल्कियत जो एहसास औरत के पाँच मिल्कियत ही समझो वो कमोडिटी समझो वो इनके कर ही तफरीक है दिखो वे तो आलमी तौर पर आलमी लेवल से दिसूँ तो अफगानिस्तान कांगो का पाकिस्तान जो दुनिया में औरतों के लिए बदतरीन मुल्क अस जैसे जीएम सैद जो पेरोकार पान के सजाऊँ था अस चूं था साई जीएम सैद के नक्शे कदम से हलने की कोशिश क्यों था तो असें घुर्ज औरतों के मामले में भी तो अस उन गड वी हल पा सा छो वो इन कर अध आबादी जहाँ है कुछ था चवन था कुछ पॉइंट्स चवन था अध का आबादी आ असे अध आबादी के घर में विहार था अध आबादी बाहर निकरूँ था तो असि कौमी
तेरी के किए कामे आछे नी उन आधा आबादी में जका मर्दन जी आधा आबादी आहे उन में भी जको अक्सर ते जको आहे के में अलग अलग हुंदा मुतफिक के वे नजरन ते न हुंदा है त असा जरे पने आधा आबादी के घर में वाड़े वे हारो था त कोसा पने किए जतो जेत के कामे आप कर सकदा सी छाकाण त दुनिया में सा तारीख में दिसौ त जगे भी जतो जेत दुनिया जो आहे ओहे कामयाब उन वक्त ही थियो है ना उनन मंजिल उन वक्त ही मानिया जदे उनन जे कौम जे औरत उन में बराबर शिरकत कया औरत जे शिरकत था सिवाय कने भी काफी जदे जे हित कामयाब न थिया ए मा तो सबने के या गुजारिश कंदा स पाजी औरत के पाड़ सा गद खणी हलत जेका असानी समाजी हालत खराब आ असा पाजी समाजी सियासी हालत जी गाल कना यो असा पाजी वसीले नी फुलट जी गाल कना यो तो असे वसीले जी फुलट ते थी उन में जेसी ताई संजी औरत शाप नथी दी तेसे ताई या फुलट रह दी बाकी मा पाजी भेनरन के भी यो चवंदस त हु यो चवने त असा के इजाजत ना है असा के आजादी ना है असा के मर्द वठी कोन था जन असा के मर्द बुधाइन कोन था माता का यो सवाल पुछंदस कदे तवा उन के चयो त असा ता केड़े प्रोग्राम में था वनो असा के हलणो आ ता कदे उन के यो चयो त असा जी भेनर कार्य कर छोटू मारियो वन ता उन का कदे यो पुछो त असा जी भेनर के जबरदस्ती अगवा कर असा जी नडणे नडणे न्याणी के अगवा करे आ उन जो जबरदस्ती मजहब पटराई जोरी शादी छोटी कराई वन असा तो उन दे ला आवाज उठाणो आ अज हुनन ला थे तो अज हुनन सा थे तो सुभाणे असा भी हुदासी न दौड़ में शामिल इन में असा जो इंदर नस्ल असा जो इंदर न्याणी में शामिल होदी असा के पानी नस्ल जे बगा जे असा के पाण तो उठणो पवंदो असा के पाण के आवाज उठाणो पवंदो छाकाण त को भी आजादी ता के प्लेट में रखी पेश कोन कदवा जरे असा जा मर्द भाईर असा जे आजादी लाए पने देश जी आजादी लाए कोशिश कन था त को असा छो न में शामिल थे माज लोली जका है उहा असंधियत पैदा कर करे थी ना एक नारे जो मां पेंटर भी बुदो तो न चयो त सिंध जी औरत जी थन में एतरी ताकत है जो हु बार के पैदा थींदे ई सिंधियत जो जज्बो पैदा करे थी जदे है अज जी औरत में असन सिंध जी औरत में जे थन में एडी ताकत आ त हु पाण के भी ताकतवर हुंदी सो ही वक्त जको आ पानी ताकत जे इजहार जो वक्त आ ई न त असन का वक्त निकली वने हथन मा पो अस पछताईंदा रहू सो बेनरो पता सबने के गुजारिश कंदस त इन अमल में शामिल थयो असन जो साथ दियो पांजे भाईरन जा हथ मजबूत कयो आखिर में मैं शेर सा मोकलणी कंदस त तवा सब में शायर में मुसा शामिल थी जो पटन रंग वो रत सा नचन दो को नेण पटन रंग वो रत सा छन नचन दो को नेण काब कुहाड़ी वाल सा नवड भी मुंजी भेण काब कुहाड़ी वाल सा नवड भी मुंजी भेण हाण न कोई वेर रस दो जीरण जेडिन के थैंक यू इन पिंडाल में अवामी वर्कर्स पार्टी नसीराबाद के अगवान अयास जनों के पिंडाल में पहुंचे असि भली कार चूं था वो असाजे पिंडाल में आयो हाँ गुजारिश कदस सिंधी एफ पी संगत शाख जाम खान के सेक्रेटरी इश्फाक चांडियो के तू गीत बुधाए तरनम से बुधाए थी तो उनकी मेहरबानी इश्फाक चांडियो अन्या कहजी निगाहुन भी कयामत खे दिठो ना है अन्या कहजी निगाहुन भी कयामत खे दिठो ना है अन्या दस्ते सितमगर भी सितम कोई सको ना है अन्या कहजी निगाहुन भी कयामत खे दिठो ना है अन्या दस्ते सितमगर भी सितम कोई सको ना है पखी तो पर हड़े अनजो अन्या दानो खुटो ना है पखी तो पर हड़े अनजो अन्या दानो खुटो ना है अन्या उन सिज एटर जो रस्तों को मजो नाहे अन्या ही दी रोशन आ अन्या ही रात कारी आ लतीफी रात जी झरझंग में ढूंगा रजारी आ स्टेज ते बैठा रहा इंताई एहतराम लायक ऐ मुझे सामू बैठा रहा ओतरे ही एहतराम लायक मुझे सिंधियो अमा सबनी के साईं जीएम सेठ जी हिस्सो अरणे जन्मदिन जो
लख लख वादायूं कि बस एक उन आवाज आ आजाद पखियों जा अग वठी आजाद पखियों जा अग वठी तो दाम भरी तू तक मथा आजाद पखियों जा अग वठी तो दाम भरी तू तक मथा हर रोज हवा जा ला मारा हर रोज हवा जा ला मारा हित आहिन मुझे बग मथा आजाद पखियों जा अग वठी तो दाम भरी तू तक मथा हर रोज हवा जा ला मारा हित आहिन मुझे बग मथा तो को भी पखी बैठे आ बिठो छा बढ़ल कहबी वण मथा तो को भी पखी बैठे आ बिठो छा बढ़ल कहबी वण मथा तो किए सहामा ओ आयल हुन चोर जा हमला चग मथा तो का दर्द धमक जा धक झले थी दिलड़ी दस मिटिए जिया तो का दर्द धमक जा धक झले थी दिलड़ी दस मिटिए जिया छो लुड़क वहाए थी हाने इन बिर भगे के भग मथा अफसोस घणो अफसोस मिया अफसोस बीतो अफसोस कयो अफसोस घणो अफसोस मिया अफसोस बीतो अफसोस करे अफसोस मझा अफसोस कयो आंगुर छजे थी ठग मथा मु वासी गन के वेहारियो आ सेन जे कूड़े दिल अंदर मु वासी गन के वेहारियो आ सेन जे कूड़े दिल अंदर अरे अखे उहाई डंगाई दुस जो उथदी मुझी पग वथा थी सेह जी साई पाड़ च वेठो बूर त छाणियो गुरड़न जो थी सेह जी साई पाड़ च वेठो बूर त छाणियो गुरड़न जो को छाव हटाए छाती अता को उस उभारे अग वथा आजाद पखिर जा अग वठी थो दाम भरी तू तक वथा हर रोज हवा जा लामा राहे त आहिन मुझे पग वथा मेहरबानी यो इश्फाक चांडियो जै पांजे जज्बन जो इजहार पांजी कहल शायरी में असा के बुझायो इश्फाक चांडियो सा नाता भी तमाम सुठान ए असा जे प्रोग्रामन में शामिल भी थिलो हाणे आ गुजारिश कंदस सीनियर अगवान कोपर सीनियर अगवान आगा कमर के तहु स्टेज ते अचन ए खिताब कन मोहतरम आगा कमर साईं बल्लभ जी अचो साईं नारे सिंह असां जी मंजिल असां जो रस्तो असां पांजे गलत अमलन सा कौमी तारीख में वो शेप न रही सकया से और शुरू को चौंदो आया तो खबर ही न हो असड़े तरफ का वनूँ कड़ी भी मेहनत क्यों कड़े भी जिदोजहद क्यों अस मंजिल तक पोचण वाला थी को असका वित्त वसीला उन मुताबिक हलबो हि सारी दुनिया शऊर की जंग भी बढ़े असा के सिंध के समझण पवो कया में पाकिस्तान का पो असा गौर क्यों तो अस रुगो दिफाई पोजिशन में अची वह असे मुल्क के दिफा की धरती में आयो सिंध की जोग्राफी के बचाव की धरती में आयो असे वसील की धरती में आयो असि बोली के धरती में आयो माना रुगो असा चौवीह कलाक बारह ही महीना यो फिक्र सिंध की कड़ी कड़ी शे बचाई ए वायरप से टों सन में अस सब सन की पैदावार आयो सन में तो वो मेलो हो मेला बुधा न कलंदर शहर मेलो पीधो जबरदस्त एंबा केतरा मेला तान अड़े किस्म मेलो जैमें न डायरेक्शन आी बस इंो अबो मान जो ये कम हल्दा सिंध के मसलन के समझण पवन सिंध के वसील के सिंध की जोग्राफी के सिंध के जागीरदार जो अस सिंध के अंदर असो कैंसर वेठो आ सिंध के जिस्म से उनके अस नजरअंदाज कर पे अस अंग्रेज के घो उम्मीद को रहो
सिंध की तबाही जा ए सिंध की जका पुस्ती जा सबब हैं उनमें असो जरई ए जागीरदाराना सेटअप भी अहम उनके समझणो पवो उन जहन का निकलो पवो मां कबर में पेड़ों दफो आयो समझ में ही नो कड़ो शहर आजो न ट्रैफिक थो नी ते भी दोस्त बैठा हो थोड़ों तो मौन में प्रेशर विजो इदार म्यूनसिपालिटी के कुछ सफाई कुछ ट्रैफिक जो निजाम अवानी दोस्त बुधासी लोच वेड़े सोच में रखबी ना लोच वेड़े सोच में रखबी ना लाट पोचे पांध में बदबी ना शख्स को कक थे ती तो सके को मसारी कक थे ये थीदो ना हाने आ गुजारिश कंदस जीएसएन माल से जनरल सेक्रेटरी मोहतरम इमदाद सिंधी के तो खिताब करे इमदाद सिंधी सवे आया सिंध में नवा नादर शाह काने का तारीख में वेड़ सवावी वाह मता सोचो साह मता मोटो मारता मुझा काबिल इज्जत मोहतरम चेयरमैन अब्दुल खालिक जुनेद साहब ए आशिम साहब ए नूर सोलंगी ए असा पुराना दोस्त आगा कमर इन सागरा में शरीक थींदड़ मुझे भेनरों दोस्तों साथियों जय सिंध साईं जीएम सर एक तमाम वो मानू हो उन मानू से गलायण के लिए ओतरो ही मुतालियो ओतर कुर्बानियो ओतर जिदोजहद खपे जी जीएम सर दिनी जीएम सर 14 साल की उम्र में सियासत की शुरुआत कई उनकी रग रग में सिंध समायल हुई जैसे मुस्लिम लीग में हो तब वो सिंध की गाल करे पो सिंध के मुफादन की गाल करे पो उन वक्त के हालत तहत आए जैसे दिठो तो मुई गलती कई है अड़ो बहादुर इंसान जैसे गलती के शहीद अलाबाग सुमरे की कब्र से वही तस्लिम कयो तो सुमरा तू सही हुए मां गलत हुयम माफी वरती माफी बुर्दल मानू न रखना या भी बहादुरी खपे पानी गलती तस्लिम करने लाए साईं जीएम सर वक्त हालतुन ते हलंदो रहो जैन रियासत में वो मायूस थो तो उन सिंध आजाद सिंध जो नारो हो उन वक्त में एक बो भी लीडर उभर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 71 के दौर में इतने ब फिक्र हुआ एक फिक्र हो अचो मुझो साथ दियो मां तव्हांखे नौकरी ॾींदुसि उहा नौकरी त न मिली पर असांजा वसीला बे खसिया विया ऐं ॿियो फिक्र जीएम सैद हुयो साईं जीएम सैद जो फिक्र हुयो जंहिं चयो नौकरी न असांखे मालकी खपे सिंध जी मालकी ऐं जेसि ताईं असां सिंध जी मालकी असां सिंधी माकिला जिदोजहद न कंदासूं तेसि ताईं असां कुझु बि हासिलु न करे सघंदासूं ऐं सिंध ऐं सैद हिकु नाम थी विया सिंध धरतीअ जा टे तमामु वॾा माण्हू पैदा कया आहिनि शाह लती बिटाई साईं जेम्स इहे ॿ वॾा माण्हू जेके पैदा थिया जिन सिंध खे दुनिया में मुतारिफ़ करायो अज 21 सदी साईं जीएम सर नाए हाँ असा के सोचे समझी अगते कदम खड़ो
उनकी रहनुमाई के लिए सैयद जहा किताब पंजवंजा का मत किताब लिखा उसे मौजूद हैं उनका सवा दुनिया में जेके इंकलाबी लीडर थी गुजरिया दुनिया में जिन कौम आजादी कौमी आजादियों वरतियों हैं उसे असा ला रहनुमा रहनुमा थी सकन था असा एकवी सदी के नए तकादान मूजिब नए दौर के हिसाब से अस पान के तब्दील करो पवन अज के हुक्मरान की यह कोशिश है मानन के गैर सियासी वे मान के अंदर खौफ हिरास पैदा वे वो अस कड़नो असत में अचण है सियासत से ही सिंध के बचा सकूँ था सियासत कें मंजूम कें मुनजम पार्टी के प्लेटफॉर्म तो थी तद असा मकसद हासिल कर सकूँ असत में कें न कें सिंध की पार्टी के चुनो पवन जी बांग्लादेश आवामी लीग के वोट दई अगत आंदो अड़े नमूने से सिंध के मानन के तवा के फैसलो करो पवन अज नई सियासी सूरत हाल में जेके सियासी प्लेटफॉर्म तदोजहद न हल्दियों तंजीम पार्टी के प्लेटफॉर्म तेजी सियासी जदोजहद हलूँ उ कामयाब थे सियासी प्लेटफॉर्म त न हलूँ उन मिसाल तव मिस्र में तेरी स्क्वायर में दिखो उत लखे मू ग हुसनी मुबारक के खिलाफ पर का मुनजम सियासी पार्टी न हुई को सियासी मुनजम नजरियो न हो को फिक्र न हो सिर्फ जो है सोशल मीडिया के हवाले से गद थे दौर में यह कोशिश कई पे वे सियासत फोरम ता कई वे फोरम जैसे अजकल तुसो तो मुख्तलिफ हंधन से फोरम जोड़ा वह उतरे लेक्चर कराया वन था बस लेक्चर थो माना सिंध धरती जो कर्ज लही वो या बारह महीने सैद की सालगिरह से सन में गड थू तो माना सिंध जो कर्ज लही वो ये ना सैद जो फिक्र असा के कुल कर्शे में खी वो है सिंध के हर गोठ में हर वाण में हर घिटी में यो पैगाम खी हलो है तद ही जो है अस कुछ कर सकूँ था इन के नजर में रखते जीएस महाराज फैसलो किया साई की सालगिरह पूरा महीनो गोठन में शहर में इन वेंदासू उ पैगाम साई जो फिक्र साई जो खी वेंदासू के दोस्त चवन था तो सन में ही सालगिरह कई वे हाँ सन में सालगिरह कई वे बिल्कुल उनके हाजिरी भी भरी वे पर लतीफ जहा पूरी सिंध में मल्हाया वन छो तो लतीफ जो फिक्र जो पूरी सिंध में ये कुनकर्च में पखड़े या यो बिदत या बिदत ना लतीफ डे सिर्फ लतीफ की दरबार से लतीफ के भिक्षा भिक्षा से मल्हाया वे ये ना तो इन रिवायत के साथ टोड़ींदे असं सिंध के मुख्तलिफ शहर में वक्त ब वक्त असा साई जो सागिरह मल्हाईंदा रहा आयूं अज जो है जिले कंबल में आया आयूं सुभाणे घोटके में असांजी साईं जेम सर जी सालगिरह आहे अड़े नमूने से खैरपुर में नशरो फिरोज ए सकंड मीरपुर खास हैदराबाद में भी सालगिरह रखल उमेद त असांखे तमाम माण्हुनि जो साथ रहंदो अव्हांखे कंहिं न कंहिं पार्टीअ जी चूंड करण करे उनखे में शामिल थियणो पवंदो हुन में ऐं तव्हां खे जिदोजहद में अॻिते अचणो पवंदो महिरबानी मुंहिंजा दोस्त ॿिया वेठा आहिनि उहे जेके कराईंदा महिरबानी हिन माहौल खे गरमाइण लाइ गुज़ारिश कंदुसि असांजो मेंबर झूनो साथी कमर थी न कमर के तो स्टेज से अचे तरनम से असा के शेर बुधाए कमर दीन कमर
ताड़ी मजायो। नारे सिंह, नारे सिंह, तू जो रे पर मौ जा रे पर। स्टेज के चल जनाब चेयरमैन अब्दुल खालिक जून के साथ सीनियर नायब सदर सयो हाशिम फोसो साहब इमदाद साहब अजी शर्मा असो नूर सैन सोलंकी बो दिलू पिंडाल में दोस्तों तुम सभी के मुझे सजी सिंध के साई जीम सजो 100 साल का मुबारक हो जाए। गीत दर्जा सजी न्यू जन जनरेशन जी आईंदे की मालिक असा पेर पस्ती दें उन साहब गीत लिखोसे महबूब पुट थई पारत वतन जी महबूब पुट थई पारत वतन जी सिंध जे चमन जी सिंध जे चमन जी गुलशन गुलन जी महबूब पुट थई पारत वतन सिंधु लाल जे रतु हारी तव हवा सिंधु लाल गैरन खे मारी तव हवा सिंधु लाल जे रतु हारी तव हवा सिंधु लाल गैरन खे मारी तव हवा सिंधु लाल गैरन खे मारी तव हवा कज पियो हिफाजत कज पियो हिफाजत सिंध जे हदुन जी महबूब पुट थई पारत वतन जी ही देश नसलन जी आहे अमानत कज कीन तहन हरगिज खियानत ही देश नसलन जी आहे अमानत कज कीन तहन हरगिज खियानत कज कीन तहन हरगिज खियानत धरती अमानत धरती अमानत सिंध जे बचन जी महबूब पुट थई पारत वतन जी सिंध जे चमन जी सिंध जे चमन जी गुलशन गुलन जी महबूब पुट थई पारत वतन जी हारी पोरत सिंध जो असासो कज पियो वदेरन जी नुख कां बिपासो हारी पोरत सिंध जो असासो कज पियो वदेरन जी नुख कां बिपासो कज पियो वदेरन जी नुख कां बिपासो ही गाल तुझे ही गाल तुझे कंदन हकन जी महबूब पुट थई पारत वतन जी सिंध जे चमन जी सिंध जे चमन जी गुलशन गुलन जी महबूब पुट थई पारत वतन जी कौमन जो हकवा हके खुद इराजत कौमन जो हकवा हके खुद इराजत दुनिया मने थी तू कहरी ताकत दुनिया मने थी तू कहरी ताकत सबको सुनाने सबको सुनाने हालत अदन जी महबूब पुट थई पारत वतन जी सिंध जे चमन जी सिंध जे चमन जी गुलशन गुलन जी महबूब पुट थई पारत वतन जी असली रहाकू सिंध जा किरोड़े आजादी मायू इतिहाद जोड़े असली रहाकू सिंध जा किरोड़े
आजादी मानू इतिहाद जोड़े आजादी मानू इतिहाद जोड़े तजदीद करियूं तजदीद करियूं जीअन जे वचन जी महबूब पुट थई पारत वतन जी सिंध जे चमन जी सिंध जे चमन जी गुलशन गुलन जी महबूब पुट थई पारत वतन जी जेसन साईं इन ही काके कमर के शेर से कार्रवाई के अगत हलईंदे गुजारिश कदस जी एस एन महाज के सीनियर वाइस चेयरमैन कामरेड हाशिम खोसो के तू अचे खिताब करें कामरेड हाशिम खोसो जनाब सदर मौज सामिनी भेनरों ए भैरों जी एस एन साईं जी एम सेठ के आओ एक शहर की सूरत में याद करना चाहिंदुस अड़ी मोहब्बत किथे अड़ी हस्ती किथे अड़ी मोहब्बत किथे अड़ी हस्ती किथे ही वतन साण नातो अलस्ती किथे सन जड़ी दुनिया मंज वस्ती किथे ओ पाए त वन मियां लियड़ो को कंदिए ते ॾिसूं जोर जोगीड़ो दोस्तों साईं जी एम सेठ ईअं जीअं लतीफ़ रिसालो असां वटि छॾे सिंधी ॿोली खे लोड़ो ॾेई वियो तीअं साईं जी एम सेठ पंहिंजो फ़िक्र छॾे सिंधी क़ौम खे जोड़े वियो ठाहे वियो हा इहा हक़ीक़त आहे उहा अञा ग़ुलाम आहे क़ौमूं क़ौमुनि खे ई ग़ुलाम कंदियूं आहिनि तबका तबकन के गुलाम कंदा आहिनि ऐं तबकन जी आज़ादी बि तबका वठंदा आहिनि ऐं क़ौमुनि जी आज़ादी क़ौमूं वठंदा आहिनि वठंदियूं आहिनि हा रहनमाई उन्हनि जी आज़ादी जे सफ़र में रहनमाई यकीन उन ग़ुलाम क़ौम खे पैदा थींदड़ ड्रिगी नज़र रखंदड़ को इंसान ईंदो आहे जंहिंखे वक़्त जो पैगंबर बि चई सघिजे थो को फिलासफर को सियासी अॻवान उन लिहाज़ खां चई सघिजे थो उहो रहनमाई कंदो पर वठंदी उहा आज़ादी क़ौम ई जेकॾहिं अॼु असीं अञा ग़ुलाम आहियूं उन जा ज़िमेवार असीं आहियूं सिंध जा माण्हू आहियूं ऐं असां हिमत ऐं बदी कयूं जिदोजहद कयूं त मां यकीन सां चवां थो त हिन 21 सदी में 4.5 करोड़ माण्हू हिन 21 सदी में उन्हनि खे केरु ग़ुलाम नथो करे सघे साईं जी एम सेठ जो हिकिड़ो कोटेशन आहे कॉल आहे त बाशऊर जज़्बे सां बहितरीन हथियारनि खे शिकस्त ॾेई सघिजे थी असांजो साथी सीनियर कमर चई वियो त मस्करियुनि सां वाकई मस्करी सां को फ़िक्र अॻिते नथो वधी सघे का जदोजहद अॻिते नथी वधी सघे साईं जी एम सेठ जज़्बनि खे अहम सम्झो पर सभिनि सां गॾु हिकिड़ो लफ़्ज़ गॾियईं बाशऊर जज़्बो अॼु जी दुनिया में बाशऊर जज़्बे जी ज़रूरत आहे जज़्बा खपनि कंहिं चयो आहे त जज़्बा वारा सी मिटी जीअं हूंदा आहिनि पर जज़्बा वारा सी मिटीअ वांगुरु कंहिं पहाड़ जीअं हूंदा आहिनि जेके अटल थी बीह बि सघंदा आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं भुरी बि वेंदा आहिनि उहे जज़्बा बि हुजनि पर उन सां गॾु शऊर हुजे असां जंहिं ॾुखी सूरत हाल में आहियूं उन में एॾो वॾो कमु साईं जी एम सेठ करे वियो आहे असां तारीख़ जे गौर करण लाइ साईं जी एम सेठ खां रहनुमाई वठी सघूं था त तारीख़ जे पस मंज़र में साईं जी एम सेठ असांजा हीरो कड़ा बयानु थो करे अदब जे हवाले सां साईं जी एम सेठ खां असां रहनुमाई वठी सघूं था साईं जी एम सेठ सिंध जो अदब जॾहिं अरबी ऐं ईरानी तसवर जे असर हेठो उन वक़्तु साईं जी एम सेठ 60 जे ॾहाके में अदब छो ऐं छा लाइ लिखियो ऐं उनखां पोइ इब्राहिम जोए खां वठी जमाल अबड़े ताईं
शेख अयाज का वी राशिद बोरा जीएम सर जो मकाले के सद दिनो अदब में गुल बुलबुल की जगह से धरती जो तस्वर आयो तो साईं जीएम सर अदब के हवाले से रन भाई कर साईं जीएम सर सठ के दहाके में सिंधी कल्चर लिखो सिंधी कल्चर किताब लड़े थे पाबंदी विधि वक्त के हुक्मरान अज रोज ऐलान था थे सिंधी कल्चर डे रोज नचन था ड्रामा कन था उथन था वेहन था उन्होंने केर हथ लायन को जो कल्चर असें देखारे पे वे या इन कल्चर की दाल कंदड़ मानू ये खोटा उनमरी है जीएम सर जैसे सिंधी कल्चर जो किताब लिखो तो उन किताब से पाबंदी विधि इन करे उन शे में साम्राज्यन के उन शे में काब्जन के उन शे में हाकमन के खतरो महसूस कर या है शऊर की गाल तो जीएम सैद जिंदगी के तमाम घणन शोबन में असि रहनुमाई करे तो सब का वधीक जै शे जै शोबे जे असि रहनुमाई करे तो वह सियासत है जीएम सैद की वही सुणप सियासत ही है सियासत से थोड़ सारे उन गालू लिखी है जीएम सैद सारी जिंदगी जो सियासत कई वह कादीदुर की सियासत कई वह साम्राज्य दुश्मन की सियासत कई वह जागीरदार मुखालफत की सियासत कई अज जीएम सैद के गाल अगत जीएम सैद पे गाल हकीकत यह एतो वो असाने की गाल तो असते अमल क्यों उन रूह मुताबिक अमल क्यों तो अस नतीजा हासिल कर पर गाल क्यों अस जीएम सैद की असा में खुशबू असल में खुशबू जीएम सैद वाली खे गाल क्यों जीएम सैद की गाल क्यों सेकुलरिज्म की गाल क्यों नेशनलिज्म की हालू वेहू उन मुलन वट जेके मुला इंसानियत जहा दुश्मन जेके फतवाओं दे बन मानू के कत्ल कंदड़ होजन जीएम सर जड़े मानू की गाल क्यों उन सा गड जीएम सर जो फोटू कढ़ायूं फोटू विरायूं यो जीएम सर जे फिक्र ते अमल कोन कोन यो जिस्म जीएम सर जे फिक्र के खिलाफ एकड़े किस्म जो बुद्धो अमल है जीएम सर जे नाले में थे तो ये कोने को तो जो जीएम सर जे नाले में थो है तमाम वडन मानन जे नाले में बुद्धो अमल थे है अल्लाह रसूल जे नाले में असनी कौम गायनकार कर दो ने अल्लाह रसूल जे नाले में असनी शयों ते कब्जा थी गया उन जे करे मुकद्दस नाले में हराम पे थन थियो ठगी लतीफ जे रोजे में थी सके थी जी सन में थी सके थी ठगियो थन पियो जिनों जिक्र दोस्त किया हा किथे मोदी किथे जीएम सैद महात्मा गांधी जो दोस्त हो या उन पैरोकार हो अड़े किस्म जो हरकतू थी इन सभी शे मुंह दई मुंह दई आवाम मुंह दई तो साईं जीएम सैद के सदा ही जेल नजरमद में पे पर साईं जीएम सैद के जदा मौको मिलो मानून दे पो तुम ही पांजे किस्मत बदलाए सोता इो ही सबब आसा मुख्तलिफ हंधन से वनू था साईं जीएम सर के नाले में साईं जीएम सर जो जो नालो खड़ू था सब शे पदरी थी वे सब मू समन था हि आज़ादी पसंद हि सेकुलर हि रवादार हि वतन से मोहब्बत कदड़ मून इन ख्याल यो है सिंध जहा वसीला सिंध जहा होजन बलोचिस्तान जहा वसीला बलोचिस्तान जहा होजन पंजाब जहा वसीला पंजाब जहा होजन पख्तूनख्वा जहा वसीला पख्तूनख्वा जहा होजन तो जीएम सैद के नाले वठण से ये सब शे अस में अची वन पे असुल शे है हाँ जिदोजहद की जिदोजहद में आउं एकड़ी गाल कर बस तो क्या वही अस टाइम दिनल भी है उतने वनो है चेयरमैन साहब के वह गाल साईं जीएम सैद चंद बिन तरह ना एक जाए ये बुद्धि खुदा किन मापंदा एक मयान अड़े नमूने से साईं चवंदो जाती मफाद कौमी मफाद कौमी मफाद अजीज है तो जाती मफाद कुर्बान कबा कुर्बान करण खपन साईं जीएम सैद जो पैगाम यो है इो ही सबब कौमी मफाद खातर टे साल जेल में रहो यानी परख आ फार्मूला है या कसवटी है जो जीएम सैद जो नालो वे तो मुँह समेत खालिद जून के समेत जीएम सैद जो नालो वे करोड़पति थी वो है जैसे समझण खपे इन कौम मफाद विकिया है तुम मान जीएम सैद रुगो फिक्र न दिनों जीएम सैद किरदार भी दिनों
इतने अक्सर जीएम से जो नालो कारकुन जीएम से जो फिक्र 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 जो जिक्र तो कह भली वो थियण खे वो जरूरी है पर किरदार जो जिक्र न कहसी पान किरदार जहाँ कच्चा उनके करे असा के जीएम से जे किरदार की जरूरत आ वो पैदा करने की जरूरत आ वो पैदा कर दुनिया की का भी तक असा गुलाम नी कर सके तारी तमाम जो किरदार बुलंद हो दुनिया की का ताकत रोके नी सके हाँ आऊँ गुजारिश कदे सिंध स्टूडेंट फेडरेशन के मरकजी अगवान साहिल मसीह के तो शेर पढ़े उन शेर तमाम घना तवील हूँ गुजारिश कदास तो पढ़े शॉर्ट साहिल मसीह सूर्य मरी सोभ के त दिल जा वेम विसार सूर्य मरी सोभ के त दिल जा वेम विसार हण भाला विड़ भाकुरे आजी झारम झार नथा तेग तरार मार त मता रोती है साईं जीएम से जी 180 सालगिरह के मौके ते पंजाब में चल ए स्टेट में चल सभी मौजूद साथियों के जीए सिंध ए साईं जी सालगिरह सभी के मुबारक नंढड़ो गज़ल है आंधी दिखी गुलिया की माँ वरी उखाड़ आंधी दिखी गुलिया की माँ वरी उखाड़ हलंदा हलो ए साथी मूसाण ते के रोकण आंधी दिखी गुलिया की माँ वरी उखाड़ हलंदा हलो ए साथी ते हलंदा हलो ए साथी मूसाण ते के रोकण बंदूक ताड़े सामू चे थो गुलाम आयू बंदूक ताड़े सामू चे थो गुलाम आयू घुर्जे जबान एड़ी पाणू उआ त कचड़ मासूम बार धरती सीने सभई लिकाया मासूम बार धरती सभई लिकाया सीने सब जी अरे दफन क्या पूजो अचे पियो मारण हलंदा हलो ए साथी मूसाण ते के रोकण चो चौथा चौ पैगंबर शायर पुकार साथी चौथा चौथा चौ पैगंबर शायर पुकार मुके लफ्जन के बदी घुंगरू मुके अजन नचाण आंधी तिखी गुलिया खीमा वरी उखाण लावा न्याणी वांगे ही आग बेत पाले लावा न्याणी वांगे ही आग बेत पाले एक दी उलाती उतंदी लांगी सजी सारण एक थी हजार वींदो मानू यो भी दिसंदे एक थी हजार वींदो मानू यो भी दिसंदे आजाद सिंध खातर आजाद सिंध कारण आधी दिखी गुलिया की मां वरी उखाण रंदालो ये साथी मूसाण ते के रोकण बड़ी मेहरबानी आधी तिखी उठिया साहिल मसीह जे इनी शेर सा हणे आ गुजारिश कंदो से जीएसएन मां से मरकजी राबता सेक्रेटरी नूर सोलंकी के तहू अचे ए करारदादू पेश करे नूर सोलंकी जीएसएन साथियों ये ना असा कुछ करारदादू पेश कर रहे हूं जिन जे के पास करने के लिए सभी दोस्त साथी हथ मथे करे हैं जो राय वजन जीएसएन मास जिले कमर्शियल राजकोट पर आज 20 जनवरी 2021 ते साईं जीएमसी जे हिकड़े 180 सालगिरह के मौके ते कंबर में थे जलसे में पेश कर करादा दू करादा पेरियो पाकिस्तान के घणो कौमी मुल्क तस्लीम कदे कौमी वहदत जी आजाद ए खुद मुख्तियार हैसियत के तस्लीम कयो वजे कबूला करादा बस सिंधु दरिया समूरा सिंधु दरिया के समूरा डैम खत्म कया वन सिंधु के 1945 के सिंध पास मुआदे तहत पानी दिनो वजे ता कबूला सिंधु अंदर वडेरा सरदार गरीब मानू खास तौर पर खुशड़ी के आबादगार जो पानी खड़ी था वन जैसे हि जलसो सख्त मजम्मत कर घुर तो करे तो पानी की मुनसिफानी विरासत कई वे तबूला सिंध के कुदरती वसील के हक अख्तियार सिंध के मानून जो तस्लीम किया कबूला तरक्की के नाले में बहरिया टाउन डी ए शेर सिटी थरकोल जड़ा मनसूबा खत्म कया वन कबूला सामुंडी बेटन डंगे भंडार से कब्जो खत्म कर वे वह मिल्कियत सिंधन की है गैरकानूनी ऑर्डिनेंस जारी करने वजी अजम इमरान खान से केस हलए वे कबूला सिंध में धारी आबादकारी बंद कई
बेन सूबन मुल्क आयल बहर मानू के वोट जो हक ए मिल्कियत खरीद करने जो हक न दिनों वे कबूल सभी जे हाउ न हारी को यारल जे हाउ न हारी को यारल ही दी बे घारे वेंदा सी छो पैर पसारे वेठो आ उथ डूंगर डारे वेंदा सी कै लाए तकी थो कंदिया ता बी बेड़ी मूर न अचणी आ जे तू बे हलियो वणजारा तोखे बे पुकारे वेंदा सी का झरमर झरमर जुगनुआ जी का टिम 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 तारी ते गंगोर घटा जो घेरो आ का जे तपसारे वेंदा सी आ मरणो हर कै मानू के आ मरणो हर कै मानू के पर ही न मरंदा सी साथी को बाग लगाए वेंदा सी को बारण बारे वेंदा सी इन प्रोग्राम जी सदारत कंदड़ जीएस महाज जे भगवान चेयरमैन मोहतरम अब्दुल खालिद जूणे जो जन के गुजारिश कंदुस तो वो सदारती खिताब करे मोहतरम अब्दुल खालिद जूणे जो साहब नारे सिंह नारे सिंह। दोस्तों साथियों भाइरो बहनरो जीएसएन ये गाल थी भाई अग में बे इतरा सारा दोस्त वे मर्द बैठा औरतू सफा थोड़ी बैठियन तान पानो पान का पुछो तो यह गाल सुठी लगे थी पर एक गाल में सुठी है तो मायू चांदन जो मायू बाहर अचन तो माना समझो तो दुनिया तब्दील थे पी तो ताड़ी रुगो न मजा वे मु बया सबक वो जूणे जा सोलंगी ए बया जी बैठा उन्े में सबक वन दोस्तों साईं जी सालगिरह करण जो जलसा करण जो मतलब साईं जी रवायत के जारी रखना साईं पान या रवायत शुरू कई ही जे दोस्त उतरे व्या हों तो मुकम्मल तौर पर सियासी जलसो हों सियासी प्रोग्राम हों उन में एकड़े किस्म जो हर साल साई सिंधी कौम के लिए प्रोग्राम दी तो इन साल में असो तो अस जी समाज उन जमायत उन रवायत के अगत बढ़ाने की कोशिश क्यों था मुख्तलिफ़ शहर में जलसन करण जो जो सबब आ वो भी साई की सोच के मुताबिक साई पुराना दोस्त वेठा आगा कमर का वी काके कमर ती ये पुराना वेठा तो इन खबर आ तो साई जेस तीन जेल में हों नजरबंद हों तो मू उन वींदा हुआ सालगिरह मौक सिंधी मू उन वींदा हुआ पर जी ही साई नजरबंदी में आजाद थी दो, तो साई निकरी सिंधी मानून वट मिलन वो या तारीख की बुधाए छो तो समझ हो चव हो तो सिंध की निजात तदें थी जैसे सिंध के मानून की अक्सरियत उनमें शामिल थी तो अस उन रवायत तहत उन पैगाम के शहर गोठन में खड़ी था वनों उन साई कड़ो पैगाम दियण चाहो जैके अस चा उन अचण का अग में एक बाल सालगिरह के हवाले से घड़ियों थी व्यून तोड़ो गलया तो मानते घो को पर इलाही वी व्यून हर को जिक्र तो करें एकड़ो यो तो साई सौ सत्रह छो न सौ अरड़ह छो न बो यो तो साई सन में छो न कमर में छो तो जेके सौ सत्रह मलायन था मां बस घणो न चवंदुसि उन्हनि जे लाइ रुगो इहो चवंदुसि त माना हुननि जीएम सैद जो नालो ई ॿुधो आहे ऐं जीएम सैद जो नालो वठी पंहिंजा धंधा करण था चाहिनि जीएम सैद खे न को उन्हनि पढ़ियो आहे न को उन्हनि खे वेझो वञी ॾिठो आहे जे जीएम सैद खे पढ़नि हा
जिदोजहद में दिलचस्पी हुए ना तो उनके खबर हुए हाँ तो हि 180 सालगिरह है बस एतो चवान तो तफसील में नो वा तो उन्होंने जीएम सर के दिखो पढ़ो ही को नालो था वटन बी गाल सही सन में छो नी गाल दोस्त कई मुझे तो साई पा बाहर निकर अदा जीएम सैद को पीर मुर्शिद पैगंबर ना है तो उन मजार से उतरे जरूर वजे उत ही वही उनको मेलो मल्हजे जहाँ कमर चई तो मेला मल्हजन था तू सियासी माओ सियासी रबर हो जीएम सैद ही तो वो मानू है जै सिंध के एक सजे नस्ल के इन पीरन के दरगाह के ठगी के ठान में कढ़ी आज़ाद वतन के पैगाम दिनों उन रस्ते हलण की तरकीब दिनी अस पा सभी इन हूँ इन दुआम से हल्दे उन दुआम से भाड़ के बजाय जीएम सैद असुल इल्म के ताकत से भाड़ जो सबक दिनो हाँ उन हैरत से गुड अफसोस दुख तो थे तो जीएम सैद के कब्र से वही मू उन चुमन था उन सजा कन था इन का वही जीएम सैद से ज्यादती आई कान का मां चवान तो हुक्मरान जेल नजरबंद जरिए जीएम सैद के तकलीफू दिन घटन जे जीएम सैद के पीर बनाए बया उन सो कॉल्ड पोए लग उनके तकलीफ दियन था दुनिया के वन मानन सा हुक्मरान तो कन छाकंड वडा मानु सब वक्त के हाकिमन के चैलेंज कंदा है मुरविज निजाम के चैलेंज कंदा हंदा तंकर जाहिरी तौर पे हुक्मरान तरफा उनन के सख्ती मिलन दियो न उने लाए हु तैयार हुंदा है उने ते उनन के तकलीफ नती दिया पर जद उन्हें जो नालो वी उन फिक्र उन किरदार के उबतड़ अमल कया वन उन्होंने वही तकलीफ दी जद मू उन वही पीरन वागुर पिड़ विजन था उन चुमी विजन था वही उनके चाह तो जीएम सैद के रूह के तकलीफ पहुंची होंगी इन सा उत जीएम सैद के नाले में थींद जलसन में उए मानू मेहमान थी अची गालन था जिन सजी उम्र सियासत ही जीएम सैद मुखालफत कई उन सियासत जो मरकज जीएम सैद मुखालफत ही जीएम सैद इंसान जात की भलाई की गाल कई उन मानन नस्ल परस्ती की सियासत कई नस्ल परस्ती के बुनियाद से मानन के कत्ल कयो जीएम सैद अदम दशद तालीम दिनी उन दहशतगर्दी की सियासत कई उन ऐलान कया तो हाँ जीएम सैद की सियासत खत्म थी वही हाँ असि सियासत हलंदी हुक्मरान उन्होंने टेकू दिनों अज उ मू उ जीएम सैद के स्टेज से वेठा उन अड़ी स्टेज से वन का अस सिंध के इन मिस्किन मान वट अच बेहतर था समझा उन दोस्त के भी अस पुछन था चवन था तो सही सन में छो न उन्होंने भी यह गाल घुर्जे तो जीएम सैद जो फिक्र हो उत जीएम सैद के नाले में थे तो पो इन के जरूर दसो पा फैसलो कर दोस्तों जीएम तो साई जो ही जो जद भी आज़ाद थो तो मानन वट इंदो हो उनको कारण यो हो तो समझो हो तो सिंध की आज़ादी सिंध की निजात सिंध जहाँ मानू वठंदा गरीब मिस्किन मानन जी शमूलियत सा ही सिंध की तहरीक कामयाब थी चवंदो हो जद भी उनका पुछो वो तो सही एतरा साल तहे जदोजहद कदे थन अना कामयाबी कान थी थे तो चवंदो तो हाँ इन कर सिंधी मानन की अक्सरियत असा अना ना जद भी सिंधी मानन की अक्सरियत इन तरीके में आई तो वह कामयाब थी उन करे ही असा दोस्त गोठन में शहर में
नरगो सालगिरह ते पर बिया भी मुख्तलिफ सिंध के तारीख जहाँ कौमी हीरा उन्होंने जहाँ दी मल्हाइंदा छाकाण तो वो सभी इन ही तसलसुल इन जिदोजहद जो तसलसुल जेका राजादार जे शहादत का शुरू थी जीएम सहद ती हलंदी आई है हाँ हले थी पी बी गाल साई के पैगाम में होंगी तो साई पाँ जिदोजहद के मनसूब में नौजवान के वही अहमियत दी आ कमर शायद आ यूनिवर्सिटी में वही जीएम सहद लेक्चर इन लाइ दी हो इो ही सबब आ असी नवे साल जो साई जीएम सहद जदे हो तो उनके जिदोजहद में नवे सैकड़ों का मथे जे टीह साल की उम्र वारा नौजवान आ तो इन तकरीब में भी नौजवान की अक्सरियत मुझे उनको खुशी थी थे कंबर के पाँ साथन के भी शाबत तो जान दोस्त के भी जो इतने आया हैं बी गाल साई जेका चवंदो जेका उन पंहिंजे प्रोग्राम में ॾिनी साईं जीएम सहद जेको क़ौमी आज़ादीअ जे हिकिड़ा मरहला थिया आहिनि ऐं वीह सदीअ जे सभिनी मरहलनि में जीएम सहद मुख्य किरदारु अदा कयो पहिरीं बंबईअ खां सिंध जी अलहदगीअ जो मरहलो हुयो उनखां पोइ हिंदुस्तान में आज़ाद ख़ुदमुख्तार रियासतुनि जो मसलो हुयो अॼु जो पाकिस्तान जेको आहे इन लाइ जीएम सहद जिदोजहद न कई मां हिते तफ़सील में नथो वञा उहो तारीख़ लिखी पई आहे बरे सगीर में मुसलमाननि जे अक्सरियत वारनि इलाइक़नि में आज़ाद ख़ुदमुख्तार रियासतुनि जे लाइ जिदोजहद कई इहो बि हिकिड़ो मरहलो हुयो उनखां पोइ पाकिस्तान त ठहियो फौरन वन यूनिट ठही वियो त वन यूनिट ख़िलाफ़ु जेका जिदोजहद हुई उहो क़ौमी तहरीक जो हिकिड़ो अॻिलो मरहलो हुयो उनखां पोइ वरी जॾहिं बांग्लादेश थी वियो बंगालनि जे अवाम जे फ़ैसिले खे हिते जे हुकुमराननि ऐं हितां जे सियासतदान लाड़काणे जे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे अवाम जे फ़ैसिले खे न मञियो त उनखां पोइ वरी क़ौमी तहरीक जो साईं नओं मरहलो शुरू कयो आज़ाद ख़ुदमुख़्तार सिंध जी उन ॻाल्हि कई जंहिंखे सियासी इस्तिलाह में सिंध जी सियासी इक़्तिसादी सकाफ़ती आज़ादी उन क़रार ॾिनो त उन में जीएम सहद तारीख़ जो शऊर रखे पियो ऐं सिंध में जदीद क़ौम परस्तीअ जो बानी हुनखे इन करे चयो वेंदो आहे त जदीद क़ौम परस्ती जेका उभरी त यूरोप मां उन खे सिंध जे तारीख़ ऐं सिंध जे कल्चर ते जीएम सहद लागू कयो ऐं उहा जदीद क़ौम परस्ती जंहिंखे जीएम सहद खणी आयो उहा जागीरदारनि ऐं मज़हबी बुनियाद परस्तनि जे शिकस्त जे नतीजे में वजूद में आई तंहिंजे करे इहो जेको मरहलो साईं शुरू कयो 1972 खां आज़ाद ऐं ख़ुदमुख़्तार सिंध जो उन में को बि जागीरदार को बि वॾेरो साईं सां गॾु तव्हांखे नज़र न ईंदो सभु ग़रीब मिसकिन पोइरत माण्हू तव्हांखे सिंध जे क़ौमी तहरीक में नज़र ईंदा रिकॉर्ड जी ॻाल्हि पई आहे ऐं फिक्री तौर बि साईं लिखियो पंहिंजे किताबनि में सभिनी किताबनि में इहा ॻाल्हि लिखी पई आहे त पीर मीर वॾेर जागीरदार मां सिंध जी चङाई न थींदी ऐं वरी मां चवंदुसि त तव्हां ॾिसो वञी त हाणे सन में जीएम सहद जे नाले ते थींदड़ प्रोग्रामनि में उहे पीर मीर वॾेरा जागीरदार मुला अचनि था जिन सदाई रियासत जी रियासती इदारनि जी दलाली कई आहे उहे माण्हू था अचनि जिन जीएम सहद जे ख़िलाफ़ु कुफर जा फतवा ॾिना जिन जीएम सहद खे गदार चई जेलनि में विधो उहे माण्हू बि उतरे हाणे जीएम सहद जे नाले ते अचनि था इन खां वधीक जीएम सहद सां बि ज़्यादती कहिड़ी थींदी ऐं अहिड़ी तरह सां ई इहा जेका जदीद क़ौम परस्ती आहे इन में सेक्युलरिज़म लाज़मी आहे तॾहिं साईं
यो मरहलो जडे शुरू कयो 1972 में ऐं जीअं समाज ठाहियईं त उन जे पहिरीं सिट में उन लिखियो त असांजे जिदोजहद जा चार नुक़्ता हूंदा, नेशनलिज़म, सेक्युलरिज़म, सोशलिज़म ऐं डेमोक्रेसी। त सोशलिज़म माना जागीरदारी मुखालफ़त, जंहिंजी मां ॻाल्हि करे वियुसि। ऐं हिते केतिरा माण्हू असां ॾिठा आहिनि त जीएम सद जी ॻाल्हि करे, जीएम सद जो सॼो सिपाही सॼे सोशलिज़म जी मुखालफ़त कनि था, हारनि जी मुखालफ़त कनि था, वॾेरनि जागीरदारनि जे जिर्गनि में उन्हनि जे पासे में वञी वेहनि था। ईअं हुजे हा त जीएम सद सोशलिज़म न लिखे हा। साॻी तरह सां सेक्युलर जो माना मज़हब खे रियासत खां धार कयो। ऐं उहे माण्हू जेके रियासत खे मज़हब जे मातहत हलाइनि था, उन्हनि खे कॉम्परस चई ऐं कॉम्परसनि जे जलसनि में वॾनि मसनदनि ते विहारियो वञे थो पियो। जेकॾहिं उन्हनि मज़हबी बुनियाद परस्तनि जो नुक़्ते निगाह छा आहे, उन्हनि जो चवणु आहे त मुस्लमान हिकिड़ी क़ौम आहिनि ऐं मुस्लमान हिकिड़ी क़ौम आहिनि ऐं मुस्लमाननि खे सॼी दुनिया ते हुकुमरानी करण जो हक़ु आहे। ऐं इनखे सियासी इस्तिलाह में चइबो आहे पैन इस्लामिज़म। ऐं साईं जीअं सेठ जा किताब पढ़ी वञी ॾिसो त हुन सिंध जे नेशनलिज़म ऐं पैन इस्लामिज़म खे आम्हूं साम्हूं बीहारियो आहे। त पैन इस्लामिज़म सिंध जे वजूद जे लाइ तबाही आहे ऐं सिंध जी आज़ादी पैन इस्लामिज़म खे रोकण साणवी ईंदी। जमालुद्दीन अफ़गानीअ खां वठी मौलाना मौदूदीअ ताईं पैन इस्लाम जी ॻाल्हि करण वारनि खे जीएम सेठ चैलेंज कयो ऐं शाह हैदर सनाई उन जमालुद्दीन अफ़गानीअ जे ख़िलाफ़ु वेड़ विड़ी, तव्हांखे ख़बर आहे। त हाणे उहे चवनि था अॼु जा जेके पैन इस्लाम जा पोइ लॻ आहिनि उहे इतफ़ाक़ सां जाग्राफ़ीअ जे तौर वरी तव्हांखे वेझा आहिनि। त जेकॾहिं उहे चवनि था त मुस्लमान हिकु क़ौम आहिनि ऐं मुस्लमान खे सॼी दुनिया ते हुकुमरानी करण जो हक़ु आहे, जेकॾहिं उन्हनि जी ॻाल्हि मञबी त पोइ असांखे इहा जेका असां क़रारदाद पढ़ी ऐं था उनजी हिमायत कई त सिंध जे समूरनि कुदरती वसीलनि ते सिंधी माण्हुनि जो अवलीन हक़ ऐं उन्हनि जो मुकमल अख़्तियार तस्लीम कयो वञे, इन तां असांखे हथु खणणो पवंदो। छो त जेकॾहिं मुस्लमान हिकु क़ौम आहे ऐं ही मुस्लमाननि जो लाइ ठहियलु मुल्क असां तस्लीम कयो त पोइ हिते पहिरियों हक़ु मौलाना फज़लुर रहमान जो थींदो, हिते पहिरियों हक़ु जेको आहे सईद जो थींदो, जेको उन जो कहिड़ी तंज़ीम आहे हाफ़िज़ सईद जो पोइ हक़ु थींदो, छाकाणि मुस्लमान जो मुल्क थींदो। पर जीएम सैद जो सबक़ु आहे त न, ही मुस्लमाननि जो मुल्क न आहे, सिंधियुनि जो मुल्क आहे। उहे सिंधी हिंदू हुजनि, मुस्लमान हुजनि, शिया हुजनि, सुनी हुजनि, ईसाई हुजनि, गैर मज़हबी हुजनि, उन्हनि जो ई मुल्क आहे। उन हिसाब सां हिन मुल्क ते पहिरियों हक़ु रूपले कोलीअ जे पोइ लॻनि जो थिए थो, फज़लुर रहमान ऐं मौदूदीअ जे पोयरनि जो नथो थिए। त पोइ हिक ई वक़्तु जीएम सैद जो नेशनलिज़म ऐं जमालुद्दीन अफ़गानीअ जो पैन इस्लामिज़म ॿई गॾु नथा हली सघनि। त दोस्तो, हिननि सालगिरह जा जलसा या ॿिया बि असां मखदूम बिलावल जो जेको साईं जीएम सैद जो मुर्शिद ऐं उस्ताद हो, उनजो शहीद अलाबाई सूमरे जो, जंहिंजे लाइ तव्हां हिते ॿुधो त साईं जीएम सैद जॾहिं मज़हबी सियासत में बि शहीद अलाबाई सूमरो, तॾहिं बि सिंध जे जुदागाना तशख़ुस जी ॻाल्हि करे पियो,
जिदोजहद करे पियो ऐं पोइ साईं उनजे कब्र ते वञी चयो त तूं सही आहीं असां मां ग़लति हुउसि त उन अला भाई सूमरे जो ऐं ॿियनि होशमान शिदी जो इन्हनि जा ॾींहं असां मल्हाईंदा आहियूं ऐं वारे वारे सां सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में इन जे लाइ दोस्तनि तव्हांखे ॿुधायो त इहे बि असांजा हीरा आहिनि इहो बि जीअं सद ॿुधायो ऐं मूंखे इहो ज़रूरु चवणो आहे त सिंध जी जदीद क़ौमी तहरीक जा बुनियाद पुख़्ता ई तॾहिं थिया जॾहिं जीएम साहिब चयो त राजा दार हीरो आहे मोहम्मद बिन कासिम लुटेरो आहे त अॼु जा मोहम्मद बिन कासिम जा पोइ लॻ कीअं असांजा ख़ैर ख़्वाह थी था सघनि भली उहे सिंध जो नालो केतिरो बि वठनि दोस्त मूंखे चवंदा साईं तव्हां उन्हनि जी मुखालफ़त था कयो साईं ॾिसो सिंध जी कहिड़ी ॻाल्हि था कनि कालाबाग डैम जी मुखालफ़त में पार्लियामेंट में तकरीरूं था कनि ऐं सिंध जी ॻाल्हि था कनि त मां उन्हनि खे चयो त बसि सिंध जी ॻाल्हि कनि था मां तव्हां खां थो पुछां तव्हां उन्हनि खां पुछिजो त उन्हनि खे कहिड़ी सिंध जी ॻाल्हि था कनि राजा डार वारी सिंध या मोहम्मद बिन कासिम जी सिंध चयो साईं मोहम्मद बिन कासिम जी सिंध मारियो माना मोहम्मद बिन कासिम जी सिंध माना ग़ुलामी न सिंध जी ग़ुलामीअ जी उतां ई शुरूआति थी न ईअं त बंगाल जनरल टिका खान खे बि खपे पियो जिन उते 30 लख बंगालिन जो खून वहायो उन्हनि खे बि बंगाल जी धरती खपे पई पर बंगाली क़ौम जा हू इनकारी हा त इहो घणियूं ॻाल्हियूं नथा कयूं काफ़ी थियूं आहिनि साईं जीएम सेठ जो फ़िक्र ई असली ॻाल्हि आहे हू को पीर पैगंबर न आहे उते वञिजे उते असां वञूं था उते असां उत्साह वठूं था असांजा जज़्बा वरी तवाना थियनि था इहो ज़रूरु कजे उते वञिजे उत्साह वठी पंहिंजे जज़्बनि खे ताज़ो तवानो करे जंग में वरी अची विढ़जे ईअं न त उते वियासीं सजो करे आयासीं ॾोह गुनाह माफ़ थी विया वरी हाणे 12 महीना ॻोठ वञी सुम्हूं था धंधो धाड़ी कयूं था त उहो ज़रूरु वठिजे पर जिदोजहद हुनजी जीअं मूं चयो त साईं चयो ऐं अमली सबूत ॾिनई त सिंध जी निजात तॾहिं थींदी जॾहिं सिंध जा मिसकिन माण्हू जेके 80-90% तइदाद में आहिनि सिंध जी उहे हिन जिदोजहद में ईंदा तंहिं करे जेके दोस्त हिते आया आहियो तव्हांजी महिरबानी पर जीअं साईं जीएम सैद जे तालीम जे नतीजे में हिकिड़ो नसुल पैदा थियो जंहिंजा माउ बि वास्तो रखंदो आहे कमर बि रखे थो आशिम कंदो बि ॿिया हिते दोस्त बि त उहा ॻाल्हि खणी असां चऊं था त जेके दोस्त हेतिरे अॼु वेठा आहियो वरी तव्हांजो फर्ज़ु आई आहे न जेकॾहिं मां जीएम सैद जी ज़िंदगीअ में हुन वटि वियुसि हुन जूं ॻाल्हियूं ॿुधी हाणे वरी पंहिंजे धंधे सां वञी लॻो वेठो हुजां त पोइ मां कहिड़ो जीएम सैद जो फूल चइबोसि त तव्हांखे बि गुज़ारिश आहे त हिते जीएम सैद जे फ़िक्र जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी इहा ॻाल्हि खणी वरी घर वञी सुम्ही न पओ इहा ॻाल्हि खणी ॻोठ ॻोठ घर घर ताणी वञो सिंध ते चौगिर्द कब्ज़ा पिया थियनि नई सिंध ते चाढ़ चढ़ाई पई थिए नई शिकिल में अदा हाणे पुराणे दौर वांगुरु न थींदो त हा क़ाबिज़ जेके आहिनि घोड़नि ते चढ़ी तलवारूं खणी अचनि हाणे उहे पंहिंजे घर में वेही उतां साइंस ऐं टेक्नोलॉजीअ जे ज़रिए असां ते कब्ज़ा कंदा जंग में हाणे पंहिंजे घर में वेही उहो बटण सां विढ़नि था तंहिंजे करे इहा न सिंध ते यलगार थिए पई सिंध जे ज़मीननि ते कब्ज़ा थियनि पिया सिंध जे कुदरती वसीलनि ते कब्ज़ा थियनि पिया निंड जो वक़्तु न आहे हितां असां वञूं त वरी 12 महीना घर न वेहूं इहो पैगाम घर घर पुॼायूं ऐं जीअं मूं शुरूअ में चयो आख़िर में उहा ॻाल्हि थो कयां जीएम सर जी सालगिरह जेका हूंदी हुई उहा साल जे लेखे चोखे जो हिकिड़ो मौक़ो हूंदो हुओ त असां बि वरी जॾहिं साल में गॾिजूं त पंहिंजो पाण सां बि लेखो चोखो कयूं ऐं अदा
हुक्मरान से लेखो चुको उदाजो पान से लेखो चुको कदा हुक्मरान के इंसाफ से मजबूर उदा जो पान से इंसाफ कर अस पान तो एक बेसो पान से इंसाफ न क्यों जे वायदा जहाँ कमिटमेंट सिंध से जी एम सैद से क्यों उन्हें न लूँ पर हुक्मरान का तवको क्यों तो बाबा तुम चाली के करारदाद में जो कमिटमेंट कई उन्हें पूरा लो ये न थो तेरी अस मेन एंड वुमेन ऑफ द कमिटमेंट थो पवो उन जिदोजहद में कामयाबी थी तहबानी तमाम सभी दोस्त लख थोड़ा वही मेहरबानी जो असान जे सदर ते कही आयो रबर सिंह साईं जीएम सैद जी अरड़ी सालगिरह थे खालिक साहब जी इन तकरीर सा पांजे इन प्रोग्राम जी पुजाणी कजे थी वरी भी एक भेरो बीहर तमाम दोस्तन जा वडा वड़ जो असान जे सदर ते कही आयो वही मेहरबानी सामने ही प्रोग्राम रेडियो आई साहब सिंध लंदन पारा खुसूसी प्रोग्राम में जी सिंध महाज कंबर पारा जदीद गुंबसी बानी साईं जीएम सैद जे जन्म वारी शानदार तकरीब अब्दुल खालिक जो सदारत में थी गुजरी हुई सामिन इन प्रोग्राम बाबत के भी राय दिणी हुए असा के ईमेल कयो असा जी ईमेल एड्रेस है info@radiovoiceofsindh.com दुनिया जा सिंधियो एक मुठ थी सिंध बचायो सिंध जो कौमी आवाज रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन पांजी नशरियात में सिंध जी सियासत समाज इक्तसादियात तारीख कौमी उमंगुन अखलाकियात मुतलिक सिंध जी हकीकी तर्जमानी कंदे प्रोग्रामन के असरायतो बनाने लाए सिंध जे घण घुरन ए धरती सा प्यार कंदड़ अदीबन दानिश्वरन सहाफिन उस्तादन वकीलन ए हर तबके जे मानवारन सजनन के सिंध में शौरी इनकलाब लाए सहकार जो सड दियो था अचो त गजी सूफिन ए संतन वारी सिंध जो ओज हिक मुठ थी वरी वापस आन वाले सफर जा साथारी बन जाऊं एक नए सुबह जी शुरुआत जो पड़ा दो घर घर गोठ गोठ ए शहर शहर ताई पहुंचायो शाल सिंध आबाद ए खुशहाल थिए सिंधी मानू सुखियो ए सतावो थिए